हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। ये एक्सएचटीएमएल सीएसएस का 10th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग टेक्स्ट एरिया के बारे में जानेंगे। देखिए, टेक्स्ट एरिया वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एक सेंटेंस से ज़्यादा आपको लिखना है कुछ डिटेल, कुछ ऐसा मैसेज जो आपको एक या एक से ज़्यादा लाइन आपको लिखना होता है, तो वहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे और यहाँ मैं फॉर्म लिख देती हूँ और इसे हम क्लोज कर लें। और इसके अंदर हम एक्शन लिख देते हैं, जो भी सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगा उसका। मान लीजिए मैं इसे index.php कर देती हूँ, ये मैंने पेज बनाया नहीं हूँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए, आपको टेक्स्ट लिखना होगा और एरिया, टेक्स्ट एरिया, और इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देती हूँ टेक्स्ट एरिया से। और यहाँ मैं सबसे पहले नेम डाल देती हूँ। देखिए, ये नेम इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP हो गया, ये नेम का यूज़ होता है। वहाँ पे प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं जिसमें हम लोग नेम का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैं नेम डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और जो भी डिस्क्रिप्शन आपका होगा वो यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए कि मैं कहती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यू कैन टाइप हियर, ठीक है। इसे सेव कर लें और इसे हम रन कर लेते हैं क्रोम में। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का बॉक्स आ गया है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ आप टाइप कीजिएगा, जो भी आप टाइप कीजिएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसमें रो और कॉलम दोनों कुछ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रो और कॉलम भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। मैं यहाँ पे रोज़ लिख देती हूँ, मान लीजिए रोज़ क्या है, 5। और यहाँ पे मैं कॉलम डाल देती हूँ, कॉलम मान लीजिए आप यहाँ 20 डाल दें। और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो भी मैसेज आप डालिएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए योर मैसेज, और यहाँ हम ब्रेक डाल देते हैं, ठीक है। इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए, योर मैसेज, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका मैसेज होगा। मान लीजिए कि जो भी आप मैसेज डालिएगा वो यहाँ पे मैसेज यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, ओपन करेंगे और इसे क्लोज़ करेंगे। फिर हम नाम डालेंगे और रोज़ और कॉलम भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।